दुल्हन का रूप सुहादा तुझे मुबारक हो। ये गाना सुनकर जाइए प्लीज। आइए आइए भाभी आइए। भैया इतना प्यार से गा रहे हैं, भैया के लिए गा रहे हैं भाभी। एक जो कहते हैं कि एक जोड़ा जो होता है, नई शादी हुई है, हंसों का जोड़ा कहा जाता है हमारे भारतवर्ष में, कि जिंदगी ऊपर वाला कर्म करे कि इन लोगों की जिंदगी इतनी अमीरी में गुजरे, इतना कामयाब रहे ये लोग, कि किसी बात का आप लोगों को दुख ना हो, है ना। कहते हैं कि कलाकारों की दुआएं बहुत लगती हैं, तो मैं अपने तरफ से अपने भाई साहब को दुआएं दे रहा हूं। और एक वाक्य सुना रहा हूं इस कवाली के दरमियान कि ये कवाली है कांच की चूड़ियां। आप जो कांच की चूड़ियों की जो वैल्यू है, आज से मैं ये चीज बता देता हूँ कि ये आपको पूरे यूट्यूब पे, पूरे फेसबुक पे या गूगल पे कहीं नहीं मिलेगी। मेरे घर में आज मैं 15वीं जनरेशन हूँ अपने घर में म्यूजिक का, और ये 15वीं जनरेशन से लोग गा रहे हैं, है ना। दुल्हन का रूप सुहाना तुझे मुबारक हो, पिया के देश को जाना तुझे मुबारक हो। गई अब तो बेला पिता की सखी, करके श्रृंगार जल्दी सजा दे मुझे, मेरे सजने में कोई कमी ना रहे, ऐसी दुल्हन नवेली बना दे। सखी में हे सखी कोई मई के सदा ना रहा। जग जाहिर है कि मायके में कोई भी औरत सारी जिंदगी नहीं रहती, और भगवान ना करे कोई रहे। हे सखी कोई मई के सदा ना रहा, करके श्रृंगार हर दुल्हन को ससुराल जाना पड़ा। अब तो रोना सखी तेरा बेकार है, हंस के डोली में जल्दी बिठा दे। छूटे माता पिता, छूटे भाई बहन, छूटे माता पिता, छूटे भाई बहन, छूटी बचपन की सखियां मेरी है सखी। अब तो साजन की गलियों में होगा गुजर, धोने वाली चुनरिया ओढ़ा दे मुझे। तो ये कांच की चूड़ियों की कहानी है, 10 मिनट लूंगा आपका। चूड़ी वाली आई मेरे गांव में, आके बैठी मेरे घर के छांव में, आ गई उस जगह और भी लड़कियां। चूड़ी वाली आई मेरे गांव में, आके बैठी वो घर के छांव में। एक बहुत ही गरीब परिवार रहता है जिसे घर में एक भी गहना नहीं होता है, लेकिन उसने बताया कि कांच की चूड़ियों की क्या कीमत है, है ना। चूड़ी वाली आई मेरे गांव में, आके बैठी मेरे घर के छांव में, आ गई उस जगह और भी लड़कियां। चूड़ी वाली बोली कि लो चूड़िया, कांच की 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 चूड़िया, कांच की, कांच की चूड़िया देखिए तू, कांच की। ये एक कहानी है, इसको जब आप सुनेंगे कि आप चालू रहे, मैं आपको रेस्ट नहीं करने दूंगा। कांच की चूड़ियां भी गजब चीज है, किस जुबान से
कहूँ ये अजब चीज है, इतने में तो शीशे की लगती है ये, कितने माओं के हाथों में सजती है ये। कांच की चूड़िया कितनी अजब चीज है, देखने में तो शीशे की लगती है ये, कितने माओं के हाथों में सजती है ये। कांच की चूड़िया देखिए दूर से, इसका रिश्ता है माथे के सिंदूर से। कांच की चूड़िया दिल का अरमान है, कांच की चूड़िया दिल का अरमान है। दोस्तों ये सुहागन की पहचान है, कांच की चूड़िया, कांच की चूड़िया हो, कांच की चूड़िया, कांच की चूड़िया। आप लोग तालियां बजाते रहे, 1 2 3 4। कांच की चूड़िया हो, कांच की चूड़िया, कांच की चूड़िया, कांच की। किसी गांव में एक गरीब आदमी, यानी बेबस वो बदनसीब आदमी। सूरज भाई की ओर से 500 रुपए का पुरस्कार आया, बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। किसी गांव में एक बहुत गरीब आदमी था, उसकी ये कहानी है। था किसी गांव में एक गरीब आदमी, यानी बेबस बदनसीब आदमी। आज तनख्वाह के उसके पहला दिन था, घर में चारों तरफ खुशियों का दिन था। बोली शौहर से बीवी बड़े प्यार से, मेरी शादी को कितने बरस हो। आज तनख्वाह के उसका, आज घर में तनख्वाह का दिन था, वेतन मिलता है पेमेंट। तो उसकी बीवी ने उससे कहा, भाई गौर करेंगे आप, कि बीवी ने कहा कि हमारी शादी को कितने बरस हो गए। बोली शौहर से बीवी बड़े प्यार से, मेरी शादी को कितने बरस हो गए। कान में कच कड़े की भी जेवर नहीं, जिस्म पे देखो मेरे तो तेवर नहीं। जैसे पहनी है उषा और नीलू की माँ, वैसे सोने की कंगन तुला दे मियां। कह रही हूँ तुझे मैं कई साल से, बीवी कह रही है अपने पति से। कह रही हूँ मैं कई साल से, हाथ में मेरे जचती नहीं अब है ये। कांच की चूड़िया, कांच की चूड़िया, कांच की चूड़िया, कांच की चूड़िया, कांच की चूड़िया हो, कांच की। सुन मेरी प्यारी लता, अपने घर की तो हर बात तुझको पता।
जब पत्नी ने कुछ सोने की जेवर मांगे अपने पति से, तो पति ने कहा घर के सारे हालात तुम्हें पता है कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो ये शेर है कि बोला शोहर की सुन मेरी प्यारी लता, अपने घर की तो सब बात तुझको पता, मुझको मिलता है तनख्वाह में बस 250, उसमें खर्चा है देखो तो इफराद नो, अपने घर का किराया भी तो 30 है, उसमें बच्चों के स्कूल की फीस है, माँ महीनों से मेरी तो बीमार है, बूढ़े बाबा का चलना भी दुश्वार है। घर की इतनी दयनीय स्थिति की, माँ बीमार है, बच्चों की फीस है और बूढ़े बाबा बीमार है। माँ मेरी तो महीनों से बीमार है, बूढ़े बाबा का चलना भी दुश्वार है, मैं से बतलाऊ मैं घर की उलझन तुम्हें, कैसे ला दूं मैं सोने की कंगन तुम्हें, मैं कैसे बताऊं कि घर की क्या उलझन है और कैसे मैं ला दूं तुम्हें सोने की कंगन, कैसे बतलाऊं मैं घर की उलझन तुम्हें, कैसे ला दूं मैं सोने की कंगन तुम्हें। इतना जब पति ने कहा तो पत्नी का क्या हाल हुआ? बात शोहर की सुनकर दुल्हन रो पड़ी, बहसी सीने से लग कर कहने लगी, अपने पति के गले लग गई इतना सुन के, और उसने कहा तू सलामत रहे मुझे गम नहीं, सरे बनी सरे सनी गमरे नी सरे पमरे नी रे सा, तू सलामत रहे मुझे गम नहीं, मेरे सरताज सोने से कुछ कम नहीं, कांच की चूड़ियां।